अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं फजर की नमाज़ के बाद हज़रत के पीछे ही था, दो तीन सफ़े पीछे। तो इस वाक़े में कुछ बात ज़रा मुबालगे वाली है। वो एक साहब आए थे, उनके हाथ में जो कागज़ का, जैसे गुल अहमद के जिस तरह के नहीं होते शापर, जैसे उसको गिफ्ट पैक कहते हैं, इस तरह का कोई शापर था। उसमें पता नहीं क्या था क्या नहीं था। और एक साहब हज़रत की मालिश कर रहे थे, अब्दुलरहमान उवैस साहब, दो तीन तलबा साथ थे, गार्ड पीछे थे। वो आया, उसने आकर सलाम किया और अदर से कोई बातें करता रहा, हमें कुछ पता नहीं चला क्या कह रहा है। और फिर गार्ड ने ये बताया कि उसने अदर से ये कहा कि मुझे आपसे अलहदमी में बात करनी, आप इन सबको अलग कर दें। तो हज़रत ने फरमाया कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, लिहाजा मैं आपसे अलहदमी में बात कैसे कर सकता हूँ। फिर वो पीछे हटा और वो उसने कोई चाकू था, वो खुला हुआ था, बाजू के साथ था। तो उसने उसको बंद किया और उसमें डाला, तो उसको वो गार्ड ने देख लिया। तो फिर उस गार्ड उसको एक तरफ लेकर गए। जब ये बात हज़रत के इल्म में आई तो हज़रत वैसे तो देर तक वहाँ तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन हज़रत भी उठ के आ गए। और फिर ये बात हुई तो हज़रत ने ये फरमाया गार्ड्स को कि इनको दारुल उलूम से बाहर छोड़ दो। लेकिन फिर वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, शायद यही है कि वो तफ्तीश करके उसको छोड़ेंगे। हमें पता ही नहीं चला कि ये सारा हुआ क्या, उसके चाकू का भी कुछ पता नहीं चला। चुनाचे हज़रत से मुझे कुछ बात करनी थी, वह मिल के आ गए। जब बिल्कुल बाब फातिमा पर पहुँचे निकल के, तो हज़रत ने उस वक्त पूछा कि उसके पास चाकू कहाँ से आया, चाकू की बात का उस वक्त हमें पता चला। तो उस वक्त उसने कोई जहर नहीं किया, और ये जो कहा जा रहा है कि हमला करने की कोशिश की, ऐसी भी कोई बात नहीं, और गार्ड फौरन हरकत में आ गया, ऐसी भी बात नहीं है। बल्कि जब वो पीछे हट गया था तो फिर उसका ये अंदाज़ा हुआ, और फिर हज़रत घर चले गए और गार्ड उनको पकड़ के कहीं ले गए, अल्लाह सुबहान व तआला कहाँ ले गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।